नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धुरिया। भारत में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के 45,231 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 496 मरीजों की मौत हुई है। रविवार को 53,285 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से 82,29,313 लोग संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,22,607 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 75,44,798 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 5,61,908 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है, यानी कि ये एक्टिव केस हैं। वहीं आपको बता दें कि केरल और दिल्ली में कोरोना के नए मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले महीने केरल में संक्रमितों के आंकड़ों में 112% की बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर को संक्रमितों की संख्या 204,242 थी, जो 31 अक्टूबर को बढ़कर 433,106 हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 7,025 नए मामले सामने आए हैं। यह सक्रिय मामलों की संख्या अब 89,675 है और अब तक 3,41,007 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 5,369 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 15,14,079 लोग महाराष्ट्र में ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,25,109 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा राज्य में 44,024 हो गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रविवार को 5,664 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 51 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, 4,159 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से 3,92,370 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कोरोना की चपेट में आने से दिल्ली में 6,562 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में रविवार को 1,969 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2,388 लोग रिकवर हुए हैं और 26 संक्रमितों की मौत हुई है। यूपी में अब तक 483,832 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें 453,458 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक यूपी में 7,051 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में 2,504 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य के कुल मामले 7,27,026 हो गए हैं। अब राज्य में कुल 20,994 सक्रिय मामले हैं और 6,94,880 मरीज ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कुल 11,152 मरीजों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 2,618 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में कुल मामले 8,25,966 हो गए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 23,668 सक्रिय मामले हैं और 7,95,592 मामले रिकवर हो चुके हैं। यहां मरने वालों की संख्या 6,706 है। आईसीएमआर के मुताबिक 1 नवंबर तक कोरोना वायरस के कुल 11,07,43,103 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,55,000 सैंपल की टेस्टिंग रविवार को की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।